प्रधानमंत्री के आदेश के अनुसार देश में लॉकडाउन किया गया, शहर में संचार बंदी शुरू है। तब भी हिंगनघाट पुलिस कर्तव्य पर रहते हुए जरूरतमंद लोगों को जीवनावश्यक वस्तुओं की मदद कर रहे हैं। थानेदार सत्यवीर बंडीवार के नेतृत्व में शहर शत प्रतिशत बंद है। जनता भी कर रही पुलिस विभाग को सहकार्य, जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकल रहे लोग। प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश के बाद देश को लॉकडाउन करने की प्रक्रिया शुरू की गई। रात दिन पुलिस विभाग पूरी तरह से तैनात है और पुलिस वाहनों के माध्यम से एवं माइक द्वारा नागरिकों को घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। तब जरूरतमंद और मजदूरी करने वाले लोग बेसहारा हो गए हैं। तब उनके उदर निर्वाह का प्रश्न निर्माण हो गया। तब इन लोगों के मदद के लिए हिंगनघाट पुलिस भी आगे आई है। हिंगनघाट पुलिस द्वारा आपसी तालमेल करके एक फंड निर्माण किया गया। तब हिंगनघाट पुलिस जब गश्त लगाती है, जिस जगह पर भी जरूरतमंद व्यक्ति दिखता है तो उसे जीवन आवश्यक वस्तुओं का वाटअप किया जाता है। हिंगनघाट पुलिस के कार्य की शहर में सराहना की जा रही है। जरूरतमंद व्यक्ति को हिंगनघाट पुलिस द्वारा मास्क भी अपने कार्य करते हुए दिए जा रहे हैं। तब पुलिस के इस सहकार्य ने अपने कर्तव्य निभाने की जरूरतमंद लोगों के लिए आगे आई है और साथ ही समाज सेवा भी कर रही है। हिंगनघाट से इनबीसीएन न्यूज के लिए रवि एनुरकर की रिपोर्ट।